लोग कहते हैं अगर आप अच्छे से स्मेल करेंगे तो आप अच्छा फील भी करेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ मौसरी एंड वेलकम टू द चैनल। हम लोग चाहते हैं कि हमारे अच्छे से सजाए हुए घर भी फ्रेश और इनवाइटिंग स्मेल करे हमेशा। इसीलिए हम लोग बाजार से केमिकल जो एयर फ्रेशनर होते हैं वो खरीदते रहते हैं समय समय पर, लेकिन उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। वैसे मुझे मेरे जो डिफ्यूज़र है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ भी करती हूँ। बट एसेंशियल ऑयल को आप और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, और एसेंशियल ऑयल्स और जो सेंटेड कैंडल्स है उसको यूज़ करना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेरे शाम के रिचुअल्स में ही पड़ते हैं। एवरी डे इवनिंग को मैं हमेशा ही जो एसेंशियल ऑयल्स है और नहीं तो जो सेंटेड कैंडल्स है उसको जलाती हूँ, और मेरे घर को एकदम अच्छा महकते हैं मेरा घर, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वे है मेरा एसेंशियल ऑयल यूज़ करना, और वो है बेकिंग सोडा के साथ। इसके लिए हमें चाहिए मेसन जार, बेकिंग सोडा, एसेंशियल ऑयल्स जो भी आपको पसंद है, गिफ्ट रैपिंग पेपर, सीजर और रबर बैंड, नहीं तो आप यूज़ कर सकते हैं सेलो टेप भी। तो ये जो मेसन जार का जो ढक्कन है इसको लेके आप ट्रेस कर लीजिए उसका जो कवर है उसको एक गिफ्ट रैपिंग पेपर के ऊपर, और फिर इसको कर लेना है। उसके बाद जो मेसन जार है उसके अंदर आप डाल लीजिए बेकिंग सोडा, एकदम पूरा भरा हुआ नहीं, इतना ही काफी है। 3/4, अगर 1/4 भी अगर आप डालेंगे बेकिंग सोडा तो सही होगा। उसके साथ आप यूज कीजिए अपना जो फेवरेट कोई भी एसेंशियल ऑयल जिसका आपको ऐड करना है 20 to 30 ड्रॉप्स, और उसके ऊपर ये जो मैंने कट कर लिया था गिफ्ट रैपिंग पेपर इसको मैं सेलो टेप के साथ यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो रबर बैंड भी यूज कर सकते हैं, वो ही एक्चुअली ज्यादा आसान होता है यूज करना, लेकिन मेरे पास रबर बैंड नहीं था तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये जो सेलो टेप है उसको ही यूज कर रही हूँ। अभी एक नीडल के मदद से आप इसमें पोक कर लीजिए ताकि जो ये जो एसेंशियल ऑयल है इसका जो स्मेल है वो बाहर निकले और बेकिंग सोडा जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और इसको आप यूज कर सकते हैं घर के किसी भी कोने में जहाँ पे प्रॉपरली सनलाइट या फिर वेंटिलेशन नहीं होता है। ये मॉनसून के टाइम में तो बहुत ही अच्छा हैक है। आप इसको अपने कार में रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको शू रैक के अंदर भी रख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक लिनेन एयर फ्रेशनर बना रही हूँ मैं यहाँ पे, जिसके लिए मैंने लिया है 6 टेबल स्पून ऑफ डिस्टिल वाटर और नॉर्मल वाटर, थोड़ा सा रबिंग एल्कोहल 2 टेबल स्पून चाहिए और एसेंशियल ऑयल। ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए लेकिन बहुत ही आसान है। ये जो एक बॉटल है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले डिस्टिल वाटर, फिर इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून ऑफ रबिंग एल्कोहल जो कि आप बाजार में बहुत आसानी से मिलते हैं। इसको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी बोलते हैं और इसको यूज करना भी बहुत ही कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं है। और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ एसेंशियल ऑयल्स। आप 2-3 डिफरेंट टाइप के एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उसी स्मेल का यूज कीजिए। एटलीस्ट 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल आपको इसमें डालना है। मैं यहाँ पे तो दोनों डिफरेंट टाइप के एसेंशियल ऑयल्स यूज कर रही हूँ, और फिर उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। वैसे ऑयल और पानी अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम यूज किया था हमने यहाँ पे रबिंग एल्कोहल जो कि ऑयल और पानी को एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे बन चुके हैं मेरा जो लिनेन फ्रेशनर है वो, और इसको आप पर्दे में, कोई भी लिनेन में या फिर सोफा, जो
जो भी है वहाँ पे आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा एक स्मेल हमेशा ही आपके घर में रहेगा और ये बहुत अच्छा लगता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो कि जिसके लिए हम आ गए किचन में, इसको बोलते हैं स्टोव टॉप पॉट पोरी। ये बहुत ही आसान है। एक सॉस पैन में पानी लेना है और आपके पसंदीदा कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज पिल, सिनेमन और क्लोव्स, जिसको एकदम लोएस्ट फ्लेम में आपको कुछ घंटों के लिए इसको बॉयल करना है, कुछ मिनटों के लिए भी आप कर सकते हो। अगर आपका ओपन किचन है तो ये तो बहुत अच्छा है, धीमी धीमी सा खुशबू पूरे घर में फैल जाएगा और ज़्यादातर खाना बनाने के बाद जो स्मेल होता है जिसको रिमूव करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, उसके लिए ये जो पॉट पोरी है वो बहुत अच्छा है। और इसकी अच्छी बात यह है कि एक बार यूज़ करने के बाद आपको इसको फेंकना नहीं है, इसको कोई भी कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और इसको आप यूज़ कीजिए। जैसे ये जो है इस कॉम्बिनेशन को मैं एटलीस्ट 1 वीक तक यूज़ कर सकती हूँ। सिर्फ मुझे पानी ऐड करते रहना है जब भी मैं इसको बॉयल करूँ, और इसको मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ। ये ऐसे मेरा जो पॉट पोरी है, स्टोव टॉप पॉट पोरी, वो तैयार हो जाएगा। मुझे ये सारे नॉन टॉक्सिक एयर फ्रेशनर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल दो और भी तरीके हैं अपने घर को महकाने के लिए, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ ये 4 तरीके ही शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। बाय।